नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आम आदमी की किस तरीके से अब जेब कट चुकी है। चुनाव खत्म होते ही अब महंगा हो चुका है गैस सिलेंडर। जी हाँ, देश के 5 राज्यों में कल विधानसभा चुनाव पूरा हो गया और आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। आज यानी 1 दिसंबर 2023 से आपको राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि इससे पिछले महीने एलपीजी गैस के दाम 1775.50 रुपए प्रति सिलेंडर पर थे। इधर सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। आम रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को ना तो राहत मिली है और ना ही कोई बदलाव इसके गैस सिलेंडर के रेट पर किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कितने बढ़ा दिए और जानने की जरूरत है कि आपके शहर में आज से गैस सिलेंडर के नए दाम क्या हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 1794.50 रुपए, उधर कोलकाता में 1908 रुपए और मुंबई में 1749 रुपए, चेन्नई में 1968.50 रुपए और पिछले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवंबर को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया था। एलपीजी के ये दाम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाए थे। 1 नवंबर को देश में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया था और इस त्योहारी दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा था। 1 अक्टूबर को एलपीजी लगभग आपको बता दें 1771 रुपए पर थी, जबकि नवंबर यानी कि 1 नवंबर को इसके रेट 101.50 रुपए महंगे हुए थे और ये 1833 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया था। इसके बाद 16 नवंबर को बता दें कि कमर्शियल गैस के दाम कम हुए थे और ये 57 आपको बता दें जिस तरीके से हुए कि 5 रुपए सस्ता होकर 1775.50 रुपए पर आ गया था। कमर्शियल गैस का महंगे होने का असर आपको बता दें खाने पीने की इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट कारोबार पर ज्यादा दिखेगा। आम जनता के लिए बाहर खाना पीना और महंगा होने वाला है और उनकी आउटिंग पर होने वाला बजट महंगा होगा। अब इसे ऐसे तो समझ सकते हैं कि जो लोग बाहर रहकर जॉब करते हैं या रोज बाहर का खाते हैं उनके लिए भी अब खाना भी महंगा होगा, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर के दाम जो बढ़ गए हैं। अभी तक तो चल रहे थे चुनाव और चुनाव में देखा जा रहा था कि हर दावे और वादे चल रहे थे, लोगों के अंदर आस थी कि कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर के दाम सस्ते से सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ये दाम सस्ते के बजाय चुनाव खत्म होते ही बढ़ गए हैं। ऐसे पर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।